आज जिंदगी में पहली बार चंद्रप्रभा आपने भी हमसे झूठ बोल दिया। हमारी इस गलती की सजा आभा को मत दीजिए। पिताजी, शायद हम आपको कभी नहीं बता पाएंगे कि हम कहां जाते हैं काम करने, पर ये झूठ हम अपने लिए नहीं बोल रहे, आपका आत्मसम्मान बचाने के लिए बोल रहे हैं, उस स्वर्ण भवन की पवित्रता को बचाने के लिए बोल रहे हैं जो आपको जान से भी ज्यादा प्यारा है। कल से मैं सोच रही थी कि जब ये जबलपुर से आए तो दरवाजे पे हम वैसा वाला ताला लगाएंगे जो अंदर से भी खुलता हो और बाहर से भी। नहीं मामी, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया, दोबारा वो सब नहीं होगा। तो ठाकुर साहब को चाय दे के आओ, जा जा जा। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते स्वर्णाभा। हमारे कल कितने केसेस हैं और किस किस कोर्ट में? सर कल दो सेशन कोर्ट में हैं, दो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आप हाई कोर्ट का केस अटेंड कर रहे हैं सर। मिस्टर स्वीर, कल आपको मुंबई जाना पड़ेगा, सिर्फ दो दिन के लिए। एक दिन जाना है, क्लाइंट से मिलना है, पेपर्स देने, दूसरे दिन वापस आना है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पर इन टूटी हुई प्यालियों को देखकर मुझे आपका ध्यान आता है दीदी, आपकी भी हालत इन जैसी ही है ना। एक तरफ से पति का दबाव और दूसरी तरफ से परिस्थितियों। नहीं भाभी, सब कुछ बदल जाएगा, भगवान जरूर बदलेंगे हमारे दिन। माँ, आज हम बहुत खुश हैं। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, आज हमें अपनी किताबें बेचने का पहली बार कमीशन मिला है। अब हम क्या करें? मुंबई जाने के बारे में माँ से कैसे बात करें? और जो कुछ हुआ वो पिताजी को। आभा, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। बहुत सुंदर है भैया, ये देखो। आज हमारी जेब में पूरे 840 रुपए हैं। तो माँ, अपने बेटे की पहली कमाई। होगा मेरा 1200 का टी सेट तो तुम्हारे पिताजी ने आज सुबह ही खराब कर दिया। वापस कीजिए आप ये पैसे माँ को। अरे घर की ही तो बात है, पैसे मेरे पास रहे हैं तुम्हारी माँ के पास, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, वापस कीजिए हमारे पैसे। आपको क्या एहसास होगा कि ये पैसे जब माँ के हाथ में आएंगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी? हम सब जानते हैं। आप कुछ नहीं जानती हैं, आप सिर्फ इतना जानती हैं कि किस चीज पे कितना खर्चा हो रहा है। बस लाइए, वापस कीजिए हमारा पैसा। प्रकाश, माँ हमें डांटने की बजाय मामी को क्यों नहीं समझाती? प्रकाश, भाभी को पैसे वापस कर दो। नहीं माँ, हम ये पैसे सिर्फ आपको देंगे, मामी को नहीं। प्रकाश, हमने कहा पैसे लौटा दो। क्यों दें हम उनको ये पैसा जो हर रोज हमें अपने घर में रखने का एहसान जताती रहती है?